शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जातरोड़ी गली नंबर 3 में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। घटना रविवार दोपहर की है। आरोपी अभिषेक बोरकर ने स्वयं को पुलिस के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया है। हत्या किस कारण हुई यह अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार मृतक का नाम गिरीश वासनिक है। गिरीश और अभिषेक 3 से 4 दिनों से लगातार शराब पार्टी में धुत थे। अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ होगा। इस वजह से अभिषेक ने गिरीश पर चाकू से वार किए। मृत्यु गया अपने कड़े आज गिरीश देवराव वासनिक म्हणून याचा आता प्राथमिक तपास है। आरोपी भेटलेला एक आरोपीच बोल सांगा सर। जातरुडीमध्ये एक आज हत्याचा प्रकार झालेला आहे, खून झालेला आहे। तर त्यामध्ये एक मयत आहे, गिरीश वासनिक म्हणून आरोपी आहे। एक आरोपी आपल्या ताब्यात आहे। त्याचं अजून मारण्याचं कारण आणि तपास सुरू आहे। बस फिलहाल आरोपी अभिषेक पुलिस की हिरासत में और आगे की जांच इमामवाड़ा पुलिस कर रही है।